जो कि बुक से उठा के आपके एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे राइट right? डिटेल्स, बारीकी से पूरी एनसीआरटी को स्कैन करके ये बनाया गया है एंड साथ ही साथ पूरा चैप्टर रिवाइज करने में रिकॉल करने में आपकी मदद करेंगे अब ये जो हम कवर करेंगे ये सारा ही मटेरियल मैं आउट दे रही हूँ टू दिस बुक बाय किरण पब्लिकेशन सी यू टी यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ह्यूमैनिटीज डोमेन इसमें आपका जनरल टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट और ह्यूमैनिटीज के डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है डोमेन की बात करें तो पहले जैसे मैं रिविजन पॉइंटर्स इस वीडियो में कराऊंगी वैसे पॉइंटर्स हैं और फिर एम सी क्यूज दिए हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर है पिछले साल का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर है ऑनलाइन मॉक टेस्ट है सो डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट अगर आप एक इंटीग्रेटेड बुक के साथ तैयारी करना चाहते हैं आप ये नहीं चाहते कि जनरल टेस्ट की अलग बुक हो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस की अलग बुक हो डेफिनेटली गो फॉर दिस क्योंकि दिस इज ऑल इन वन बुक और ये सारी स्ट्रीम्स में अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज कॉमर्स एंड साइंस सारी ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो क्विकली गो एंड चेक इट आउट की so, कीवर्ड्स में क्या आता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज लोकेशन विद एसोसिएशन विद फंक्शन कालीबंगन में क्या मिला था लोथल में क्या था राइट right? सो so, पूरा इसमें मैप पॉइंटिंग का भी डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट कवर हो जाएगा की टर्म्स

अफगानिस्तान जम्मू बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है एंड गुजरात क्लियर है चलिए यहाँ यहाँ पे काफी ऑब्जेक्ट्स उस टाइम के मिले हैं राइट द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेर हरप्पन कल्चर वॉज डिस्कवर्ड कहाँ से डिस्कवर हुआ था हरप्पन कल्चर हरप्पा से राइट right? का 2600 एंड 1900 हंड्रेड में राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अर्ली हरप्पन कल्चर वॉज स्मॉल सेटलमेंट एंड नो लार्ज बिल्डिंग राइट तो हमने क्या देखा है कैसे थे वहां पे सेटलमेंट स्मॉल सेटलमेंट्स थे राइट अर्ली हरप्पन कल्चर लेट की बात नहीं हो रही है पहले अर्ली हरप्पन कल्चर में स्मॉल सेटलमेंट्स एंड नो लार्ज बिल्डिंग्स क्लियर है साथ ही साथ ये कवर कर लेते हैं वरना बहुत लेंदी पड़ेगा इसमें नीचे जाओ फिर ऊपर आओ राइट right? सो द फील्ड तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात हो रही है राइट दैट टू डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर क्यों फील्ड में क्या थी दो तरीके के ऐसे फरोस थे दो तरीके के ऐसे वो होल कर देते हैं ना एट राइट एंगल्स यानी कि दो दो अलग टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो होते थे मोस्ट हरप्पन साइड्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड सेमी एरिड लैंड यानी कि एरिड यानी कि ड्राई तो ड्राई सेमी ड्राई टोटली ड्राई नहीं है बीच में मॉडरेटली ड्राई है ठीक है तो वहां पे मोस्ट हरप्पन साइट्स लोकेटेड है तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे होती थी इससे हम इसको रिलेट करेंगे ट्रेसिस ऑफ कनाल्स हैव बीन फाउंड एट साइट ऑफ केनाल कहाँ पे मिले हैं शोर गई इन अफगानिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस की बात हो रही है वॉटर रिजर्व कहाँ मिले हैं धोलावीरा में जो गुजरात में है सो so, आपके मैप पॉइंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंटिंग की वन शॉर्ट वीडियो मैंने चैनल पे डाली हुई है गो एंड चेक इट आउट राइट यहाँ पे मैंने एनसीआरटी पे बेस्ड है ये पूरा मैप जो आपकी एनसीआरटी में लोकेशन गिवन है उसी के थ्रू uh, मैंने ये आपको मैप पॉइंटिंग कवर कराई है सो so, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है गो अहेड एंड प्रैक्टिस योर मैप -daro is the most well मोस्ट site, the साइट site फर्स्ट साइट discovered बी डिस्कवर्ड इस सिविलाइजेशन की जो मूवी है वो भी मोहेंजो दारो पे बनी है बहुत पॉपुलर साइट है लेकिन सबसे पहली साइट कौन सी थी हरप्पा थी राइट right? क्लियर है चलिए द अमाउंट ऑफ ब्रिक्स टोलन फ्रॉम द हरप्पा साइड वॉज इनाफ टू ले ब्रिक्स फॉर अबाउट हंड्रेड माइल्स ऑफ द रेलवे लाइन बिटवीन तो ये लाइन है जो आपके एनसीआरटी में लिखी हुई है कि वहां पे से इतने सारे ब्रिक्स मिले कि अगर हम 100 माइल्स तक ब्रिक बनाए ना ले करें तो लाहौर से लेके मुल्तान तक रेलवे लाइन बन जाए राइट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं सो इट अपियस देर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हरपन एंड द हरप्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक एविडेंट था वो लार्ज स्केल बर्निंग एट समाइज एज वेल एज

From finds of, रही उनकी डाइट कैसी थी वो क्या खाते थे क्या सोर्स है यह पता लगाने का चार्ड ग्रेन एंड सीड्स जो वहां पर बच्चे कुछ थोड़े से पिसे हुए ग्रेन और सीड्स मिलती थी उससे अंदाजा लगा ग्रेन्स फाउंड एट हन साइज इंक्लूड वीट बार्ले लेंटिल चिकपी एंड सीसेन तो सारे ही आप देख रहे हैं की वर्ड जो इंपॉर्टेंट एम्फोसाइज देने की जगह है वो हमें मिल रहे हैं इस बुक से डेफिनेटली चेकआउट द बुक द लिंक इज इंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलो बहुत हेल्पफुल है मिलेट्स आर फाउंड फ्राम हरप्पन साइड्स इन गुजरात मिलेट्स कहाँ पे मिले हैं गुजरात में मिले हैं बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज फाउंड फ्रॉम हरप्पन साइड्स इंक्लूड बोर डियर एंड घड़ियाल इन सब की बोन्स मिली हैं एनिमल्स की बात करें तो द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाई हरप्पन पीपल जो वो पालते थे राइट कैटल शीप गोट बफेलू एंड पिंक राइट right? चलिए आगे ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज़ नोन एंड वाज़ डन यूजिंग ऑक्सन तो भैया हमें सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर पे जो बनी हुई है बुल तो दिखती है और वो भी हमें एग्रीकल्चर में हेल्प करती है एंड साथ ही साथ प्लाव प्लाव करते हैं ना लैंड को एग्रीकल्चर के दौरान उसमें ऑक्सीजन हेल्प करती थी बुल एंड टेराकोटा मॉडल की बात करें प्लाव के मॉडल हमें कहाँ पे मिले हैं चोलिस्तान एंड बनावली राइट right? सो so, बनावली हरियाणा एंड चोलिस्तान क्लियर है चलिए आर्कियोलॉजिस्ट है प्लाउड फील्ड एसोसिएटेड विथ ओर्ली हरप्पल लेवल्स कौन सी है कहाँ पे मिली ये प्लाउड फील्ड काली बंगन इन राजस्थान राजस्थान में पूरा प्लाउड फील्ड का ही एविडेंस मिला है राइट चलिए द अमाउंट ऑफ ब्रिक्स टोलन ये तो हम कर चुके हैं लाहौर से मुल्तान तक और टाइमी सेटलमेंट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग शेल कटिंग मेटल वर्किंग सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग वॉज ऐसी छोटी सी सेटलमेंट जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था दैट इज आपका चानू डारो वेरी इंपॉर्टेंट राइट प्रोसेसिंग ऑफ फूड इक्विपमेंट वर मेड ऑफ स्टोन मेटल एंड टेराकोटा राइट फूड इक्विपमेंट जिससे प्रोसेस होता है जिससे प्रोड्यूस होता है वो स्टोन मेटल और टेराकोटा से बने होते थे राइट सो द मेटीरियल यूज्ड। The settlement at Mohenjo-daro is divided into two sections. Very easy. Citadel and the lower town. Very well done. आगे चलते हैं. The bricks used at all Harappan settlements were of standardized ratio. एक ही तरीके की थी. ऊपर नीचे एक ही size था. Where the length and breadth were four times and twice the height respectively. Right? जिसमें length है four x और height है two x. क्लियर है सो so, ये रेशियो बता दिया गया है वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ हरपन सिटीज वॉज प्लैंड ड्रेनेज सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल well डेवलप था इन द लोअर टाउन द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न

सुर को दा, सुर को दा, अब ये सारा आपका है सोर्सेज uh, में से राइट द साइट दैट गिव एविडेंस दैट एवरी हाउस हैड अ वेल काली बंगन राइट right? सो so आप देख रहे हैं लोकेशन सारी कवर हो रही हैं आगे चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जहां पर लोग रहते थे रेजिडेंशियल बिल्डिंग ग्रेट बाथ सिटाडिल में जो थी द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाई अरिडोर ऑन ऑल फोर साइज आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सिटाडेल का फाउंड इन मोहेंजो दारो राइट मोहेंजा मोहेंजोदारो में क्या थे लोअर टाउन और सिटाडेल एंड ग्रेट बाथ उसी में था राइट ग्रेट बाथ वो जो गाना है मोहेंजो दारो मूवी में आ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा सिंधु माँ के ऊपर है तो वहां पे दिखाया गया है द यूनिकनेस ऑफ ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर हैज लेड स्कॉलर टू सजेस्ट दैट इट वॉज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ राइट रिचुअल रिलीजियस बाथ के लिए मैनी ऑफ इजिप्टियन पिरामिड्स वर रॉयल बेरियल्स रॉयल बेरियल्स रॉयल बेरियल्स यानी कि ये इजिप्टियन जो पिरामिड है इसके अंदर कोई डेड को भरी किया हुआ है जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे एट बेरियर्स इन हरप्पन साइड द डेड वर्ड जनरली लेड इन पिट्स ठीक है हरप्पा में पिट्स uh, में उनको ले करते थे सम ग्रेव्स कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स इंडिकेटिंग बिलीव ऑफ हरप्पन पीपल इन आफ्टर लाइफ ये हमने पढ़ा है चैप्टर में राइट कि उनको पॉट्री और ज्वेलरी के साथ बेरी किया जाता था इससे क्या दिखाता है कि आफ्टर लाइफ में उनके ये चीज़ें काम आएगी आफ्टर लाइफ में वो बिलीव कर रहे हैं इन एक्सक एट दी सेमेट्री सेमेट्री यानी कि जहां पे लोगों को uh, बेरी किया जाता था एंड ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री शेल रिंग्स बीड एंड हंड्रेड ऑफ माइक्रो बीड फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल इन हरप्पा राइट सो ये एविडेंस है इसका आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट केयरफुली बाई पीपल ऑफ एन कंटेनर सच आर स्पॉट आर नोन एज हो होर्ड यानी कि कोई अभी हम जैसे कुछ छुपा के रखा है घर में राइट जो ज्वेलरी है या जो भी है फिर अगर सिविलाइजेशन एंड हो गई तो वो सब दब 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 गया गुम गया सो आर मत बोला परूज परफ्यूम वॉटर्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हरप्पा राइट uh, तो यहाँ पे कीवर्ड फाइनेंस है कि कौन से मटीरियल से बनते थे राइट द स्टोन्स लाइक कार्नेलियन जैस्पर क्रिस्टल क्वाथ एंड स्टीअाइट वर आर यूज फॉर बीड मेकिंग जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में हमने पढ़ा राइट right? आगे चलते हैं केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ So, हमें पता चल रहा है ओवरसीज ट्रेड दोनों के बीच में था कोई कनेक्शन तो जरूर है, है, ये. को लिखा हुआ है पुराने मैसोपोटामियन टेक्स में अ डिस्टिंग टाइप ऑफ वेसल्ज हरपन जार कोटेड विदिक लेफ ब्लैक क्ले हेज बीन फाउंड एट अट इन ओमान ओमान, मगन एक ही बात है राइट मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स डेटेबल टू थर्ड मिलेनियम बीसीई रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन पर नेम फ्रॉम ओमान अगेन रिपीट किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है द मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स मैंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम्ड दिलमुन दिलमुन प्रोबेबली द आइलैंड ऑफ बहरेन को ये रेफर करता है जैसे मगन ओमान है दिलमन क्या है आइलैंड ऑफ बहरेन ठीक है चलिए द मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स मेंशन कॉन्टेक्ट विद मगन एंड मेलूहा पॉसिबली द हरप्पन रीजन राइट मेलूहा इज द हरप्पन रीजन द हाजा बर्ड इन द मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स इज इक्वेटेड विद अ पीकॉक, क्लियर है पीकॉक मेसोपोटामियन टेक्स रेफर टू मेलोहा एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स लैंड ऑफ सी फेरर्स राइट इंपॉर्टेंट और ये क्या है हरप्पन सिविलाइजेशन हरप्पन रीजन है ट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन क्या करते थे अगर आपको कोई सामान पहुँचाना है तो उसको पोटली में बंद करके सील लगा देते थप्पे की तरह ठीक है सो हरप्पन है लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबर्बली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर किसने भिजवाया है और किसके लिए भिजवाया है परफेक्ट आगे चलते हैं सो स्टीय यूज इन बीड मेकिंग वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्टोन

the specialized centers of making shell were nageshwar and balakot very important shell making centers nageshwar and balakot one important means of transporting goods and people across land routes was bullock carts a a blue stone apparently very highly valued was termed as lapis lazuli lapis lazuli source of carnelian was lothal सोर्स ऑफ कहां कहां पे मिलता था साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात क्लियर है चलिए गणेश्वर जोधपुरा कल्चर किस लिए माना जाता है इज डिस्टिंक्टिव फॉर नॉन हरप्पन पॉटरी अलग प्रकार की पोटरी गणेश्वर जोध गणेश्वर जोधपुरा कल्चर सप्लाइड टू हरप्पन कॉपर ऑब्जेक्ट्स राइट right, जो हमने आगे पढ़ी राइट right? जो ब्लैक कोटेड जार था ब्लैक क्ले से राइट right? कॉपर वॉज प्रोड्यूस्ड बाई हरप्पन्स फ्रॉम खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान

में होती है ना वेट्स जब आप सब सब्जी लेने जाते हैं ग्राउंड में भी होते हैं वैसे रख देते हैं वन के का राइट सो चर्ट स्टोन था जिससे ये वेट्स बने होते थे और ये क्यूबिकल होते थे द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी वैल द हायर डिनोमिनेशन फॉलो द डेसिमल सिस्टम राइट बाइनरी और डेसिमल बाइनरी में जीरो से वन तक यूज़ uh, होता है एंड डेसिमल सिस्टम में आपका जीरो से नाइन तक यूज होता है इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है आगे चलते हैं हरप्पा वॉज एक्सकोवेटेड इन अर्ली डेकेज ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी बाई आर्जिस्ट दया राम सहानी डी आर सहानी राइट इन ट्वेंटी फोर द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाईजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड वॉज अनाउंसड बाई द डायरेक्टर जनरल ऑफ ए एस आई जॉन मार्शल जॉन मार्शल वेरी इंपॉर्टेंट आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ए एस आई फायर फाउंडी एंडल काली बंगन एंडल दर ऑफन कॉल्डिकॉर्न जो हरप्पन सील्स पे बना होता था द मैन एंड वेमेन मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विदर वर्ल्ड एज शमन शम्स क्लियर है परफेक्ट आगे चलते हैं चलिए मूविंग ऑन टू वर्ड चैप्टर टू किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज राइट चलिए सो एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन को स्टडी करना अंडरस्टैंड करना इज एपिग्राफी द ब्रिटिश ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू डिस ब्राह्मी एंड खरो वॉज जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स को कॉइन की स्टडी से राइट right, इंटरप्रेट किया और अंडरस्टैंड किया जेम्स प्रिंसेप वाज एबल टू डिसाइफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838 इन विच ईयर 1838 इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइंस अ किंग रेफर टू एस पियादासी वाज अशोका अशोका पियादासी राइट द राइटिंगस एंग्रेवड ऑन हार्ड सर्फिस पॉटरी आर टर्म एज इंस्क्रिप्शन राइट जैसे हम पेपर पे कुछ लिखते हैं तब स्टोन मेटल पॉटरी ऐसे ऑब्जेक्ट पे इवन पिलर्स पे जो लिखा जाता था इट वॉज नोन एज इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वॉज इन प्राकृत ये लैंग्वेज है राइट right? संस्कृत का ही एक फॉर्म है प्राकृत दीज अर्ली वेदिक जनाज सब्सिक्वेंटली मर्ज टू बिकम एपिक एज जनपदार राइट अर्ली वेदिक जनाज या हम बोल सकते हैं जो एरिया थे अर्ली वेदिक पीरियड में छोटे छोटे वो फिर बन गए इन द एपिक एज द जनपदा लिटरली मीन्स ट्राइबल स्ट्रोंग होल्ड जन मतलब इंसान और पद मतलब एक पोजिशन राइट चलिए सो जनपदा इज द पानिनी वर्ड फॉर नेशन 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 एज अ होल राइट जनपद इन इज द वर्ड फॉर सिटीजन जो लोग हैं वहाँ के वर द मोस्ट पॉवरफुल ट्राइब्स ड्यूरिंग पीरियड एंड वोन जनाज़ राइट द महाभारेदा बोथ मैं जनपदांग महाजनपदारा रेन यानी कि रूल ऑफ बिंबिसारा क्लियर है चलिए कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद चपमा चपमा क्लियर है चलिए द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपदा वॉज उज्जैनी और माहिष्मती, ठीक है माहिष्मती साम्राज्य द अथर्व वेदा मेंशंस अबाउट गंधारा महाजनपदा द कैपिटल ऑफ गंधारा महाजनपदा वॉज नहीं जाना है क्योंकि ये कोई काम का नहीं है वेन इट कम्स टू योर बोर्ड एग्जाम राइट हाउ एवर नॉलेज के लिए देख लीजिए पूछ वॉज कैपिटल ऑफ कम्बोज महाजनपदा क्योंकि इतना डिटेल में आपके एनसीआर टेक्स्ट में नहीं है ये सब सोर्स से ही लिया गया है अस्म का महाजनपदा वॉज लोकेटेड ऑन द दैंक्स ऑफ द रिवर गोदावरी पोटली और पोदाना वॉज द कैपिटल ऑफ अस्म का महाजनपदा Where Shali was the capital of Vajji Mahajanapada. Right? कुसिनारा एंड पावा वाज़ द कैपिटल ऑफ मल्ला महाजनपद यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस राइट आगे चलते हैं एंड एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट सिटीज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज वाज़ द सिक्स सेंचुरी बीसीई सी इंपॉर्टेंट है ये राइट right? वाइल मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाई किंग्स सम नोन एज गानाज और संघाज वर ओली गैरकीज क्या होते हैं किंग होता है एक सिंगल रूलर ओली गैर्की होती है ग्रुप ऑफ मैन ग्रुप ऑफ पीपल जो कंट्रोल uh, करते हैं एक एरिया के ऊपर फॉर एग्जाम्पल पंचायत राइट चलिए इन और संघास द पावर नंबर ऑफ मैन ऑफन राइट तो ये ओली गैरकी का फॉर्म था द अथर्व दर्म अबाउट मगध महाजनपद महाजनपदा जैसे मैंने बताया नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराना काशी वॉज नेम्ड आफ्टर द रिवर्स वरुणा एंड अस्सी कौशंबी कौशंबी वॉज द कैपिटल ऑफ्स महाजनपद से नॉट दैट रेलिवेंट इतना डीप नहीं जाना है कौशाला ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्राइबल रिपब्लिकन टूज सान एट कपिल वस्तु इन लुम्बिनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धा वॉज बोर्न एट कपिल वस्तु इन लुंबिनी कैपिटल ऑफ कोसाला महाजनपद वॉज श्रवस्ती नॉर्थ कैपिटल और कुशावती सदन मथुरा वॉज दी कैपिटल ऑफ शूरा महाजनपदा कैपिटल ऑफ पंचाला महाजनपदा अचिचित्रा एंड कम्पिल् नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट पैनिक नहीं करना है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सी यू टी से रेलिवेंट है उसमें भी जस्ट रीड इट राइट इंद्रप्रस्थ प्रस्ताव वॉज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपदा विराटनगर वाज़ द कैपिटल ऑफ मत्स्य महाजनपद एंड साउथ एंड सोथ सोथीवतीमती और 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 सोथी वतिगारा वाज़ द कैपिटल ऑफ छेदी महाजनपदा नॉट रेलेवेंट ठीक है चलिए यहां आते हैं मेन एनसीईआरटी टेक्स्ट पे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस वाज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द विलेज हेडमैन नोन एज ग्रामीणी ग्राम भोजक और ग्रामिका Bali was collected by special officials known as Bali Sadhakas. The term that signified relatives on both mothers and father sides, Natakas. This is all the boxes and sources, right? From sixth century BC onwards, Brahmanas began composing Sanskrit texts known as Dharma Sutra. Important. Roman Republic example is oligarchy. पॉटरी दैट मार्क्स दर्बनाइजेशन एरा वॉज द्लैक पॉलिश्ड वेयर नगन ब्लैक पॉलिश्ड वेर ये क्या दिखाती है इंडिया सेरा की शुरुआत नई तरीके की पोटरी द हाई रैंकिंग मर्चेंट इन्वॉल्व इन कॉमर्स ट्रेड एंड मनी लेंडरिंग वर सेठी सेठी बिट्वीन दिक्कथ एंड द फोर्थ सेंचुरी बी सी द मोस्ट पावरफुल महाजनपद मगध प्रेजेंट डे बिहार इम्पोर्टेंट है ये बिंबिसारा अजतु एंड महापद्म नंदा रूल्ड फ्रॉम मगध इथ सेल्फ द कैपिटल राइट बिंबिसारा वॉज द रूलर ऑफ हरियंका डायनास्टी हरियंका डायनास्टी मगध रूलर हू मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र वॉज कालाशोका कालाशोका ठीक है एंड राज द प्रेजेंट डे राजगीर एंड बिहार वॉज द अर्लियर कैपिटल ऑफ मगध है ना पहले राजगीर थी मगध की कैपिटल चलिए ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में है पैनिक मत हो जो एन से रेलिवेंट है वही आपका एम आएगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम सी में भी इतना ज़्यादा डिटेल वेल well एंड गुड है इन्फॉर्मेशन सारी है बट वी कांट एक्सपेक्ट दिस राइट बिकॉज दिस इज बहुत ओवरवेलमिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स डोंट वरी इसीलिए मैं आपको सच बता रही हूँ ठीक है चलिए

and ekrat term was used for Mahapadmananda. Alexander invaded Northwestern India during the rule of Dhanananda. The Shramana culture evolved in Greater Magad. The most important Brahmanical texts that provide information on Mauryan ancestry is Puranas. The Buddhist book that commended Ashoka for his efforts to propagate Buddhism in Ceylon i.e. Sri Lanka was Vipavamsa and Mahavamsa. द जैन बुक परिशिष्ठा परिशिष्टा परवानवाज रिटन बाय हेमचंद्रा मैगस्थनीज रोट इंडिका दिस इज इम्पॉर्टेंट एन सी आर टी टेक्स्ट मतलब मेन टेक्स्ट मौर्न एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया फर्स्ट एम्पर वॉज चंद्रगुप्त मौर्या मैगस्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्या

पेशावर देन कॉल्ड पुरुषपुरा वॉज दैपिटल ऑफ कनिष्का राइट चलिए हम सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट की टर्म्स करेंगे राइट right? बाकी यू कैन रीड ऑन योर ओन फॉर सी यू टी तो यहाँ पे पाटलिपुत्र तक्षला उज्जैनी तौशाली सुवर्णागरी और फाइव मेजर पोलिटिकल सेंटर्स इन मौर्य एम्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स राइट

एक्टिविटी कोट Military activity. Military activity करने के लिए एक कमिटी जिसके अंदर सिक्स सब कमिटीज थी एक कैवेलरी को देखती थी एक इन्फेंट्री को देखती थी तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंटेड टू स्प्रेड दम्मा वर नोन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धम्मा

ज राइट चलिए द प्रयाग प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन संस्कृत बाय हरी सेना इन द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्र गुप्ता इंपॉर्टेंट है ये भी द प्रयाग प्रशस्ति वॉज कम्पोज इन संस्कृत बाय हुम हु हुनाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्र गुप्त राइट टू इंस्क्रिप्शन रूल ऑफ समुद्र गुप्त इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है दोनों ही

बनाया राइट चलिए वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया जब भी आएगा पुराना तो इट इज मनुस्मृति जिसमें लॉ एंड ऑर्डर लिखा होता था राइट रिटर्न इन संस्कृत एंड कंपाइल्ड बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बी सी एंड सेकेंड सेंचुरी सीई वॉज मनुस्मृति वेरी गुड चलिए अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ़ और वेलालर जिन्हें वेलालर बोलते थे प्लाउमैन और एंड स्लेव्स और राइट right? तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के नाम वेलालर लार्ज लैंड ओनर्स प्लाउमैन जो खेती करते हैं प्रेजेंट उवर एंड स्लेव किसमें मेंशन है संगम टेक्स जो आपका तमिल लिटरेचर है राइट right?

जो ब्राह्मणस को लैंड दिया जाता था द टर्म मसतवम सेठिस एंड सत्वहनास डिनोट मर्चेंट्स इंपॉर्टेंट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स वर कॉल्ड गैल्स और श्रेणीज़, गैरल्स और श्रेणीज़। वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वोटिव इंस्क्रिप्शंस ये क्या दिखाते है? इनका मतलब क्या है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दान में गिफ्ट दिए जाते थे राइट सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग प्रेशियस एंड सेमी प्रेशन फाउंडेड कोदू मनाल तमिलनाडु द अर्लिएस्ट मिंटेड पंच मार्क्स पंचमार्इन वर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इंपॉर्टेंट है ये दर्स्ट कॉइन्स टू बीयर द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स

बेस क्या है ब्राह्मी है राइट right? और इससे फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस निकल के आई हैं. ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द टर्म पति पतिवेद का डिनोटेड रिपोर्टर क्लियर है दीज आर इनडेप की वर्ड आपके टेक्स्ट में से भी छाट छाट के निकाले हुए हैं आपके टेक्स्ट में से भी बहुत डीपली निकाले हुए हैं इतना कि आधा तो आपने सुना भी नहीं होगा राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट डोंट पैनिक मूविंग ऑन टू योर चैप्टर नंबर थ्री किनशिप कास्ट एंड क्लास सबसे पहले महाभारत इंक्लूज फिलोसल एंड डिवोशनल कॉन्टेंट सच एज अ स्टडी ऑफ फोर लाइफ एम्स और पुरुषर था आगे चलते हैं द ऑथरशिप ऑफ महाभारत इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड टू कौन बोला गया है जिन्होंने महाभारत कंपोज करी है व्यासा राइट द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग सेवरल हजब इज टर्म एज पॉली एंड्री एंड द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ इज टर्म एज पॉली गाइनी सो so, ये पॉलीगैमी के ही दोनों फॉर्म्स हैं पॉलीगैमी यानी कि जब आपका एक से ज्यादा स्पाउस हो तो अगर विमेन के सेवरल हस्बैंड्स हैं दैट इज पॉली एंड मैन के सेवरल वाइफ है दैट इज पॉली ध्यान रखना ठीक है चलिए ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन ग्रैंड सन एंड सो ऑन इज पेट्रिलिनी राइट कि कैसे चल, चली आ रही है पूछते राइट फाइन द टर्म यूज वेन डिसेंट इज ट्रेस थ्रू द मदर इज मेट्रिलिनी राइट

ट्रीटिस ऑन धर्मा जोनर ऑफ संस्कृत लिटरेचर ऑन लॉ एंड कंडक्ट इज धर्म शास्त्रा जहाँ पे धर्म के बारे में बताया गया है धर्मसूत्र मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेरेनियम बी सी ई दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वैदिक कल्पा धर्मसूत्र टेक्स्ट कवर्स आश्रम वर्ण पुरुषर्ता एंड अहिंसा राइट इतना डेप्थ में नहीं जाना है फिर पैनिक करोगे बस रीड कर लो

चलिए सो मैरिज विद इन द यूनिट यानी कि ग्रुप कास्ट और ग्रुप लिविंग इन सेम लोकैलिटी विद इन द क्लैन जो हम कह सकते दैट इज एंडोगैमी अंदर इन साइड राइट एंड आउटसाइड द यूनिट इज एक्सो राइट आउटसाइड एक्सोगी क्लियर है चलिए द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज इज कन्यादान राइट संस्कृत टेक्स डेजिग्नेट फैमिली यूजिंग द टर्म कुल यूजिंग द टर्म कुल राइट कुल देवता फैमिली देवता राइट सो संस्कृत टेक्स्ट डेजिग्नेट फैमिली द टर्म कुल द टर्म वंशा इज यूज फॉर लीनिएज राइट जो लीनिएज चलती आ रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज इज एसोसिएटेड विद एक्सोगैमी राइट जब आप कन्या का दान कर रहे हैं बाहर दूसरे ग्रुप में या यूनिट में द मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 हंड्रेड बी सी ई टू टू हंड्रेड सी ई इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणासन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन संस्कृत टैक्स नोन एज धर्म सूत्र धर्मशास्त्र एंड रेगुलेशन कैसे आपको बिहेव करना है सोसाइटी में ये इन संस्कृत टेक्सट में लिखा जाता था मनुस्मृति इज वन ऑफ दी अर्लिएस्ट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव लॉ टेक्स्ट लीगल टेक्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया राइट right? आगे चलते हैं एट टाइप्स ऑफ मैरिज इज विवाह अकॉर्डिंग टू द इंडियन किन के अकॉर्डिंग मनुस्मृति महाभारत एंड वेदास राइट चलिए मैरिज ऑफ अ गर्ल बॉय ऑफ सेम वर्णा विद वेदिक राइट्स एंड रिचुअल्स इज ब्रह्मा विवाह तो ये अब सारा आपको बताया गया है फिर व्हेन फादर डोनेटेड हिज डॉटर टू अ अ पार्ट ऑफ दक्षिणा इज देव विवाह टोकन ब्राइड प्राइज ऑफ गिवन कोर्स विवाह मैरिज विदाउट डाउरी इज प्रजापति विवाह राइट इट वॉज अ काइंड ऑफ लव मैरिज ऑफ और स्वयं टाइप तो वो है गंधर्व विवाह मैरिज बाय परचेज इज असुरवाह जो कंडेम किया जाता था सीडक्शन ऑफ अ गर्ल वाइज स्लीपिंग और मेंटली अनस्टेबल ड्यू टू इज पैसच विवाह एंड मैरिज बाय अबडक्शन राक्षस विवाह तो जो लास्ट के फोर हैं वर द फर्स्ट फोर वर कंसिडर टू बी राइट क्लियर है, right. है? चलिए जो गोत्र का कॉन्सेप्ट था द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपियड इन द लेटर वेदिक पीरियड लेटर वेदिक पीरियड

नगानिका इज द क्वीन ऑफ सतकर्णी वन ठीक है चलिए आगे चलते हैं गाथा uh, सप्तष्टि और कंपेल्ड कंप्लीटेड बाय रूलर हला नासिक प्रशस्ति डिस्क्राइब सतवाहाना रूलर गौतमी पुत्र सतकर्णी अगेन ये पूरा डेप्थ में है इस डायनेस्टी का सो नॉट दैट रेलिवेंट फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांस टू द्राह्म इंपॉर्टेंट है द रिफ्लेक्टेड कैटेगरी जातीज राइट सो जातीज और वर्नाज दोनों अलग अलग है वर्ना वॉज द कास्ट सिस्टम जाति वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ग्रुप बना लेना उसमें राइट आगे चलते हैं द ड्यूटीज ऑफ चंडालाजर लेड इन मनु चंडाला कौन थे द अनटचेबल्स जो हम उस टाइम कहते थे चाइनीज ट्रैवलर्स हु मैंउट चंडाला वर जुआन जैंग इंपॉर्टेंट है ये राइट द पेटर्नल इक्वली अमंग सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स इज देंशन इन द मनुस्मृति राइट तो कैसे आप इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टी राइट विमेन वर अलाउड टू रिटेन द दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज थ्रीधर जो फ्रेंड्स फैमिली से मिल रहा है वो आपका खुद का उस पर राइट है दैट इज इज फॉर टू एक्वायर वेल्थ इन द मनुस्मृति अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मनिकल टेक्स अनदर क्राइटेरिया अपार्ट फ्रॉम जेंडर फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ कि किस किस को मतलब वेल्थ के कितने सोर्सेज होंगे वो वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम पे बेस्ड था राइट right? तो so, महाभारता को नारेटिव और डायडेक्टिक बोला गया है सो हिस्टोरियंस यूजअली क्लासीफाई द कंटेंट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट दैट कंटेन स्टोरीज उसको बोलते हैं नारेटिव राइट एक स्टोरी नरेशन है और जहाँ पे सोशल नॉर्म्स बताए गए हैं रूल्स बताए गए हैं दैट इज डायडेक्टिक नेचर द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इतिहास इज दज इट वॉज हिस्ट्री डज इट वॉज पहले था इन ब्राह्मनिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वॉज बेस्ड ऑन बर्थ द बेस्ट नोन रूलर ऑफ दतवाहाना डायनेस्टी क्लेम्ड टू बी बहुत यूनिक ब्राह्मणा एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिया वेरी इम्पॉर्टेंट इज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी वेरी इंपॉर्टेंट राइट बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी जो यूनिक ब्राह्मणा भी अपने आप को बोलते थे और डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रिया भी बोलते थे

वॉज रिटर्न बाई शूद्रा ये है इंपॉर्टेंट मेचाज दो नॉन संस्कृत लैंग्वेज लेबल्ड एज मो जो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे उनको मिलेग्नेटेड एज चंडालाज राइट जब किसी की डेथ हो जाए और इवन ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स ये रोल ऑक्यूपेशन किसको असाइन किया गया चंडालाज को राइट right? चलिए द चाइनीज बुद्धिस्ट मंग रोड दैट अनटचल हैड टू साउंड क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कोड अवॉइड सींग दम काजान कि भाई आप आवाज करते हुए आओ ताकि सबको पता चल जाए अनटचेबल्स आ गए और वो आपको देखें ना और वो पल्यूट ना हो जाए द चाइनीज पिलग्रेम दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्क्रवेंजर्स आर फर्स्ट टू लिव आउटसाइड द सिटी चंडाला जो ये ऑक्यूपेशन परफॉर्म करते थे उनको विलेज से बाहर रहने को रहना पड़ता था ये जुआन जैंग ने ऑब्जर्व किया राइट अकॉर्डिंग टू द्राह्मनिकल टेक्सट अनदर क्राइटीरिया अपार्ट फ्रॉम जेंडर फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ इज वर्ना ये हम कर चुके हैं राइट डायडेक्टिक रेफर्स टू समी पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कैसे क्या होना चाहिए सोशल नॉर्म राइट एंड इनटीज हस्तिनापुर इन मेरठ वॉज एक्सकवेटेडिस्ट बीबी लाल इंपॉर्टेंट है चलिए सो मूविंग ऑन टू आर चैप्टर नंबर फोर थिंकर बेगम्स परमिशन टू टेक अवे दस्टर्न गेट ऑफ आ, साची स्टूपा या फिर स्टूपा ऑफ सांची तो वेरी इंपॉर्टेंट इसमें किसने परमिशन ली फ्रेंच ने राइट right? किससे शाहजहां बेगम से और ईस्टर्न गेटवे ईस्टर्न हिस्सा जो गेटवे था ऑफ सांची स्टूपा वो ले गए द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रजर्वेशन ऑफ स्टूपा एट सांची या फिर साँची स्टूपा Chalye, the mid-first millennium bce saw the emergence of thinkers such as zarathustra in iran kongzi in china socrates plato and aristotle in greece the early vedic tradition also known from the rig veda was compiled between 1500 century and uh, 1000 bce Chalye.

शाला कुतागर शाला राइट डिबेट्स जहाँ पे डिबेट्स होती थी फिलोसोफर्स के बीच में कुतागर शाला राइट मैनी टीचर्स क्वेश्चन दी अथॉरिटी ऑफ वेदास कौन-कौन है इसमें बुद्धास एंड बुद्धिज्म एंड महावीरा, राइट सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फिलोसोफिस आगे चलते हैं सो so, यहाँ पे पहले नीचे का पार्ट करते हैं फिर यहां आएंगे

फाज़ियान एंड ज़ुआनज़ैंग जिन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा है बुद्धा टीचिंग वाज बेस्ड ऑन बुद्ध धम्मा एंड संघा राइट चलिए द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ देव ऋषभ देव अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन महावीर वाज प्रेसीडेड बाय 23 अदर टीचर्स और तीर्थंकरस राइट तो महावीर से पहले 23 टीचर्स आए थे वर्धमान लेटर बिके महावीर आ, महावीरा ग्रेट हीरो और जिना कौनकर राइट अब हम जैनिज्म पे आ गए हैं वर्धमान परफेक्ट नॉलेज अंडर अ अल ट्री एट जिम भिलग्रामा ज्रिम भी कग्रामा राइट महावीरा द हेड ऑफ अ सेट कॉल नीर ग्रन्थास, नीर ग्रंथास ग्रंथास द फाइव कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म आर अहिंसा सत्य असत्य अपरिग्रह एंड ब्रह्म राइट रेफर टू योर एनसीईआरटी ओनली जो मेन टेक्स्ट है ज्यादा जहां पे भी आपको पैनिक हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है नहीं पढ़ा वो बॉक्स या सोर्स बेस्ड है डोंट वरी महावीरा बिलीव्ड इन डुअलिस्टिक फिलोसफी कॉल्ड एज है राइट आगे मेन ये आ गया है एनसीआरटी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन जेनिज्म प्लांट बींग्स एस्पे टू ह्यूम एनिमल्स प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू द जैना फिलोसफी राइट हर कोई जीवित है राइट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज एम्फोसाइज विद इन जैनिज्म अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू करमा जैसा आप कर्म करेंगे साइकिल ऑफ कर्मा से क्या करना है असेटिज्म और पेनेंस करेंगे तो आप फ्री कर पाएंगे अपने आप को इस कर्मा की साइकिल से राइट सो असेटिज्म यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन में इंडल्ज होके माया मो माया को त्याग दे और सिवियर पेनेंस करें पेनेंस यानी कि जो पनिशमेंट खुद को पनिश करिए जो बुरा किया है सिवियर एक रास्ते पे चले इन प्रिंसिपल्स के राइट जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस प्रकृत संस्कृत एंड तमिल चलिए बी लैम्स एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन ये किसके लास्ट वर्ड्स थे बुद्धा के लॉर्ड बुद्धा जी के राइट अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर इज हेजियोग्राफी हेजियोग्राफी क्या है बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर उनके बारे में जो किताब है ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध वॉज सिद्धार्था बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी नियर कपिला

Blowing out or extingu extinguishing of desire is uh, for existence in all its forms is nirvana, nirvana praptkarna, right? The Buddha had two kinds of disciples: monks, bhikkhus, and lay worshippers, upasikas. Right? The Buddha's dearest disciples who persuaded him to allow women into the sang was Ananda. The Buddha's foster mother. कौन थी महापजापति गौतमी द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिकुनी यानी कि जो बुद्धा के संग में फर्स्ट वुमेन आई दैट हिज मदर महापजापति गौतमी जिनको भिकुनी बोला सो भिकुज एंड भिकुनीस द थेरी गथा एंड एंथोलॉजी ऑफ पोयम्स इन द पाली लैंग्वेज बाय एंड अबाउट द फर्स्ट बुद्धिस्ट वुमेन इज पार्ट ऑफ सुत्त सु

राइट वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट द रेप्रजेंटेड दॉड्स इज बालकनी है स्टूपा पे राइट इनसाइड अ साइडा अराइजिंग फ्रॉम द हार्मिका वाज़ अ मस्त कॉल्ड दी सो इस स्टूपा का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जा रहा है शाजी की धेरी इज द साइट ऑफ एन एशियंट कनिष्क स्टूपा लोकेटेड एट पेशावर पाकिस्तान इन एटीन फिफ्टी फोर वॉल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर कलेक्टेड फेमस एलियट मार्बल्स फ्राम अमरावती राइट जो मार्बल पीसीस कलेक्ट करें वहाँ से अमरावती का जो स्टूपा है वहाँ से एंड ही टुक दैम अवे इन अर्ली बुद्धिस्ट कल्चर द स्टूपा वॉज मेट टू रेप्रजेंट महापरी निभा महापरी निभाना महापरी निभाना चलिए वन ऑफ दी अर्लीस्ट मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियंस हु कंसीडर्ड साची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सर्पेंट वर्शिप वाज जेम्स फिरगसन जेम्स फिरगसन राइट द लिटरल मीनिंग ऑफ महायाना वाज जो महायाना बुद्धिज्म है द ग्रेट व्हीकल फॉलोअर्स हु बिलीव्ड इन द हेवनliness ऑफ बुद्धा वे महायान बुद्ध्यिज्म महायाना फॉलोअर्स बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप राइट आइडल वर्शिप Uh, uh, बुद्धा जी की फिगर का वर्शिप चलिए uh, सब ऑफ महायाना आर मध्यमिका शून्यवदा एंड योगाचार और विजन विजन फाउंडर ऑफ मध्यमिका इज नागार्जुन फाउंडर ऑफ योगाचार इज मैत्रेयनाथ एंड हिज डिसाइपल असंग एंड द पेंटिंग्स एट अजंता डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम दी जटका वेरी इंपॉर्टेंट

दिस कल्चर एट सांच्रॉम देट वे होल्डिंग ऑन टू अर ट्री वॉज रेप्रेजेंटेशन ऑफ शाला भंजिका है ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट वॉज शाला भंजिका राइट एट वो टच करती थी प्लांट को तो उनमें फ्रूट्स और फ्लावर आ जाते थे राइट आगे चलते हैं Some of the earliest artificial caves were constructed in the 3rd century BCE on the orders of Ashoka for Ajivika. Kailash Elora Temple in Maharashtra. Bhilsa Topes, one of the earliest works on Sachi, was published in 1854 by Alexander Cunningham. The Treasure Trove Act, giving the government the right to acquire all objects of archaeological interest, was passed in 1888. Important. Hai ye. सांची वॉज डिक्लेयर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन नाइनटीन एटी नाइन राइट परफेक्ट सो वी हैव कवर्ड आर बुक वन ऑल द फोर चैप्टर्स मेन इम्पोर्टेंट की वर्ड्स इनसे आपका कोई भी एम सी क्यू स्किप नहीं होगा कोई भी एम सी क्यू में आप घबराएंगे नहीं यू हैव कवर्ड ऑल द प्रोबेबल की वर्ड्स द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनके आस पास एम सी क्यूज बनते हैं एंड इससे आपकी पूरे चैप्टर की रिविजन भी हो गई है So now, ugly video next video, book two and then book three. We'll be covering book wise all the keywords. So stay tuned. So, guys, that is it for our today's video. I hope you liked it. And if you did, please like, share, and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.